जाही चौधरी मेरा नाम है, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं मिस्टर गुलफाम, जी हाँ मिस्टर गुलफाम इनका नाम है, और ये पसोड़ा के बैकग्राउंड से हैं, इसी समाज से, इसी मिट्टी से बने हैं, और इसी इन्हीं छोटे 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 से जितने भी लिमिटेड से जो संसाधन होते हैं उन्हीं संसाधनों के बीच इन्होंने एक बहुत बड़ी रैंक हासिल कर दिया। जी जहाँ गुलफाम जो है वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। आइए जानते हैं गुलफाम के साथ के उनका सफर ये कितना आसान और कितना मुश्किल रहा। वेलकम गुलफाम, कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड दिस इज रियली अमेजिंग दैट आई एम हियर एंड आई जस्ट वांट टू थैंकफुल टू एवरीबॉडी हु इज जस्ट डूइंग दिस अमेजिंग जॉब एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन इन दिस काइंड ऑफ एरिया वेयर यू नो सम पीपल थिंक दैट a place can change the way of talking, the way of learning, and this is really amazing. So I really want to thankful. I don't have much to say because you know this is really a great moment for me, and it never happened to me. This is the first time, so I'm very happy. MashaAllah, Alhamdulillah, ये society काम अच्छा कर रही है, तभी तीसरा हमारा कामयाब function हो रहा है। जी जी जी। और इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ेगा। अच्छा ये भी सुनने में आया कि तीन बच्चे इस बार बहुत ऊंची रैंक उन्होंने हासिल की, एक जज बने आपके गांव से, एक लड़की MBBS के लिए सेलेक्ट हुई, एक फ्लाइंग ऑफिसर बना, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब? नहीं माशाल्लाह गांव के अंदर चूँकि तालीम का रुझान बढ़ रहा है, तालीम की तरफ बच्चों का और उनके वालदेन का मिजाज हो रहा है, इसीलिए तीन बच्चे एक से कामयाब हुए हैं। और सोसाइटी का मकसद भी यह है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और तरक्की देकर, अभी तो तीन हुए, इंशाल्लाह इसको 30 पहुँचाए, 300 तक पहुँचाएँ। आज बहुत खुशी की बात है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत दिनों से सरकार प्रयास कर रही है, आज यहाँ सामने देखने को मिल रहा है, इतनी बच्चियाँ उपस्थित हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स के रूप में सेलेक्ट हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, और उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और ये आशा करता हूं कि ये सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये सोसाइटी काम करेगी और आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और हर साल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गोल पोस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो आप लोगों ने पीछे से इन बच्चों को हिम्मत दिया है, ये बच्चे पूरी ज़िंदगी आप लोगों का शुक्रगुजार होंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों का भविष्य जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और उसी रास्ते पे बच्चे बनेंगे, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। और इन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कोचिंग का प्लान बनाया है तो उस हिसाब से उसको देखें, और हम लोग हर तरीके से आपकी सोसाइटी के साथ हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट मैं अपनी भी दूं। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है पसोंडा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का, इन्होंने ठान लिया है कि पसोंडा में एजुकेशन को ला करके रहेंगे, और इन्होंने तन मन धन से पूरी मेहनत ये कर रहे हैं, गांव भी इनकी मदद कर रहा है, बच्चे भी इनके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हम भी दिल से इनके साथ हैं, उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त आ चुका है कि पसोंडा एजुकेशन को लेकर के नंबर वन पे होगा हमारे क्षेत्र में इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस गांव के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की जो एकता की मिसाल है। सबसे पहले तो आदमी परिवार को एक नहीं कर पाता, आपने इस पूरे गांव को एक कर दिया, तरह तरह खानदान के, तरह तरह बिरादरी के लोग एक जगह आ गए, और एजुकेशन का जो कदम आपने उठाया है वो तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जो इस गाँव को पूरी दुनिया के अंदर एक नाम देगा, अलग अलग संस्थाओं में नाम देगा, सरकारी विभागों में नाम देगा। हमारे गाँव के कुछ दिनों में पिछले दिनों से कुछ शाख खराब हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब शाख बढ़ती जा रही है, एजुकेशन में नाम आ रहा है। दंगे फसाद में आते थे और सारे मामलात में आते, लेकिन वो लोग भी अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा गांव आपके साथ है, मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है संस्था जो अब बनी है आपकी, ये अब से पहले बन जाती थी, इस गांव से बहुत सारे ऑफिसर, जज, वकील, डॉक्टर बन सकते थे। आपने एक स्पेस दिया है इस गांव को कि इस गांव से अब इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे यहां से काबिल लड़के लड़कियां निकलेंगे जो इस गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे का जज बन जाना? हाँ बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है इसमें, जो है माँ बाप अगर जो है बच्चे के साथ लगे रहें
उसको एक स्पेस दें, तो उसको जो है उसके साथ डटे रहें, तो बच्चा अपने आप मेहनत करेगा, मेहनत करेगा। अगर मान लो बीच में माँ बाप जो है उसको जो है बीच में उसका साथ छोड़ दें, तो फिर उसके हाथ पैर जो है उसके काम करने खुद ही बंद कर देते हैं। इसलिए माँ बाप का उसके सर पे हाथ और उनका सहयोग और उनका जो है उसके ऊपर पूरा फोकस रखें और पूरा पैसा उसके ऊपर लगाएं, उसको किसी चीज़ में कमी आने ना दें, तो इंशाल्लाह बच्चा भी जो है उसका भी हौसला बढ़ेगा और वो जो है पूरा टारगेट जो है हम देते हैं उसको कि भाई तू ये बन जा भाई, जज बन के दिखा, तो इंशाल्लाह फिर वो अपने आप हौसले में हौसले के साथ में वो कोशिश करता है कि मैं भी जो है अल्लाह मुझे बना दे। और मैं समझता हूँ कि बेटे ने जावेद खान ने इतनी मेहनत करी कि पहले पिछले साल जो है वो CBI में क्लास 1 ऑफिसर बना और अब जो है इस साल 2019 में वो जो है PCSJ जो है मैं क्वालिफाई करके और एक जज बना और पसौंडा गाँव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करा। मुझे बेहद खुशी है पूरे परिवार को, पूरे गांव को, और आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है कि मैं देख रहा हूं कि अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यहां से बहुत सारे ऑफिसर्स बन के निकलेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो है एक स्पेस दिया है इस गांव को, मुझे इससे पहले नहीं मिला ऐसा स्पेस। समझे जी, मौलाना कोशिश करी थी कि इसके बारे में 2-4 साल पहले उनकी किसी ने सुनी नहीं, आप लोगों ने जो है कोशिश करी है, मैं आपका तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं भी जो है आपको कोऑपरेट करता रहूँ जी, और जो है आप मेहनत करें इंशाल्लाह जो मंजिल आपकी आसान, और ये बच्चे जो है आपने जो इनकी जो इतना सा बढ़ाया आपने उनको जो है इनको इनाम दिया। अच्छा एक चीज़ और डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी है आपके गांव में जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है पसौंडा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ये सभी जाति सभी धर्म और सारे लोगों को मिलकर लेकर के साथ चलते हैं, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? नहीं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें धर्म और जाति विशेष कोई काम ऐसा ना हो, सबको साथ लेकर चले, ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें धर्म जाति को एक तरफ रखो, पूरे जो है सारी जितनी भी जाति धर्म है सबको साथ लेके जो हमारी जो आपकी जो संस्था लेकर चल रही है ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत उच्च कोटि का ये काम कर लेकर चल रहे हो आप। इसमें जो है बस हमारी तो ये दुआ है कि आप जो है अल्लाह आपको कामयाबी दे और पूरे गांव का आपने नाम रोशन कर दे। अब फर्क तो सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे नौजवान लोग बच्चे हैं साथी हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस काम को अपने जिम्मेदारी के साथ लिया है, आगे बढ़ने के लिए लिया है और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है, आज मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे साथ कई सारे टैलेंट हमने देखे हैं जो कामयाबी की तरफ आगे बढ़े हैं, मिसाल बन रहे हैं अभी हमारे गांव के लिए जी। अच्छे खासा एक मिसाल की सब तीन मिसालें जब आज हमने पेश की, हमने आप मिलवाया लोगों से, एक जज साहब हमारे यहाँ से निकले हैं, एक फ्लाइंग ऑफिसर हमारे यहाँ से निकले हैं, एक नीट में बच्ची क्वालिफाई हुई है, इसी तरह और कई सारे टैलेंट हैं जो भी वर्क इन प्रोसेस हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक स्टार के रूप में हम आगे पेश करेंगे इंशाल्लाह और मिसाल बनेंगे इस गांव के लिए। तो जो सपना आप लोग लेकर के चले थे वो साकार होता दिखने लगा? बिल्कुल इंशाल्लाह जल्दी साकार हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ साकार हो रहा है, हमारी उम्मीदें थोड़ा दूर की थी लेकिन हमें जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। नहीं सुना आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और क्या कुछ और इसके लिए कुछ बेहतर आप कुछ कोचिंग सेंटर का भी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। अभी हमने जो बिल्कुल स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी कमी ये लग रही थी हमें कि गाइडेंस का एक कंसर्न था, एक प्रॉपर हम गाइड नहीं कर पा रहे थे। जब बेसिक जो पुरानी पीढ़ी जो अभी करंट पीढ़ी हमारे यहाँ गांव की है वहाँ पे एजुकेशन का एक कमी है तो जब उनमें कुछ कमी है तो अपने बच्चों को ढंग से वो गाइड नहीं कर पा रहे हैं, गाइड कर भी दें तो फिर उसको प्रॉपर कोचिंग के लिए कहाँ भेजें, वो एक हमारे यहाँ कमी हमें बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। तो उसको दूर करने के लिए हमने सबसे पहला कदम यही स्टार्ट किया कि हम एक अच्छा एक वर्ल्ड लेवल का एक आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कोचिंग सेंटर हम अपने यहाँ पे बनाए पहले, क्या बात, वेरी गुड। एक बेस्ट एंड बेस्ट क्लास के जो अपने फैकल्टीज हैं उनको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। अच्छा अपने गांव में? अपने गांव में इंट्रोड्यूस करें, यानी कि आपको कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर अदर प्लेसेस में जाने की जरूरत, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बच्चे को भेजें तो उसका 25 किलोमीटर दिल्ली में जाने का मतलब है कि 2 घंटे सुबह जाने का लगाएगा, 2 घंटे शाम को आने का लगाएगा, आने जाने का एग्जर्शन इतना होगा कि वो फिर पढ़ने के लिए कितना टाइम निकालेगा अपने लिए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बड़ा, और हमें तो खुशी होती है दूसरे के लिए काम करके जी। जो एक फीलिंग आती है ना अपने अंदर, अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए कोई आके जी के, एक बार कोई आदमी किसी के लिए कुछ करके तो देखे और फिर उसको फील करे कि उसको कैसा लगता है। हमारा तो एम ये है कि
हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने आसपास का जो है, हमारा जो समाज है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपने सोचा था कि आप अपने, आपने बोला था कि 2020 में आप क्लास वन अफसर दे देंगे गांव से, और उसके पहले ही आपने दे दिया, तो आपको लगता है बहुत कितना फर्क पड़ा है आपके आने से गांव में? ये हमने सपना देखा था कि हम 2020 तक, 2020 तक इस गांव से क्लास वन अफसर दे के दिखाएंगे, तो वो सपना हमने, वो बच्चा हमारे बच्चों ने साकार कर दिया। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश, वी आर वेरी प्राउड। और इन बच्चों के लिए, आप जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, बच्चों बेटे मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ आसान है, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। I just want to say ki that was my first attempt, and that was a motivation for me. One day I visited Indian Air Force in last year, so I saw a pilot over there and I had a conversation with him, so that was really nice to talk with him. Maine dekha ki wo kaise jeete hain, kaise rehte hain, kaise baat karte hain, so that was a very influencing moment for me, and that day I decided that I just want to join the defense services and I went for that. अच्छा, जैसा ये आप फंक्शन देख रहे हैं, पेप्स, पसोंडा वेलफेयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं, या इसे कैसे बताना चाहेंगे, ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्टीमेटली बहुत स्टूडेंट्स का ये ग्रुप है, इसके आप कैसे देखते हैं? मैं बस ये सोचता हूँ कि ये जो जॉब है, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव ये लेना ही था, क्योंकि यू नो वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर दिस, and this is really amazing. I know it's not easy for you, and I really really want to congratulate you and your team for doing this wonderful job, and I can feel it because main ek teacher bhi reh chuka hu, main padhata hu bachcho ko, I know ki kis mentality se wo guzar rahe hote hain, to is tarah ki motivation unke liye bahut helpful rahegi, so that they can go ahead and do something better for their life. Acha, Gulfarm ki do bahut strong cheeze hain jo Gulfarm ke andar hain aur jo motivate karti hain, yes आई कैन डू, ऐसे कोई दो बहुत अच्छी चीज़ें जो आपको लगते हैं कि ये मुझे प्रकृति ने, मुझे खुदा ने स्पेशल में दी, ऐसी कोई दो चीज़ें बताइए। डिटर्मिनेशन, आई वांट टू से द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव स्पेशली, मैं जो सोच लेता हूँ खुदा मुझे उसे करने की बहुत बहुत शक्ति देता है, मुझे उम्मीद रहती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ ईजिली, एंड द सेकेंड थिंग इज मैं जो फील करता हूँ वो ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि मेरी फीलिंग्स मेरा बहुत साथ देती हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ। आई एम वेरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही नर्वस हो जाता हूँ समटाइम्स, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कई बार ये समझने के लिए कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो दीज आर द टू थिंग्स। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जो आज यहाँ पे आए हैं प्राइज के लिए, इनके लिए या हमारी ये जो यूथ जनरेशन है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है चाबी, जो की ऑफ सक्सेस होता है, उसके लिए इन बच्चों के लिए आप कोई आदेश या कोई किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप बनना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, गेम्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी एनी थिंग, देन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड सेट अ गोल एवरी डे। अगर आप अपना दिन में एक गोल सेट कर लेंगे सुबह उठते ही और आप उसे अचीव करके सोएंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अपने साथ अच्छा कर ही लेंगे। ये दिस इज़ द मैसेज कि अपना डेली सुबह उठते ही आप कम से कम एक गोल सेट करें और उसे अचीव करने की कोशिश करें पूरा दिन, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ आज मैंने एक काम किया। तो साथियों, ये थे पसोंडा के नए हीरो गुलफाम, जो फ्लाइंग ऑफिसर बने इंडियन एयरफोर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब। थैंक यू सो मच।